ओके इस वीडियो में हम देखने वाले फ्रेंड्स कि कैसे हम अपने ब्लूटूथ की मदद से किसी भी ऐप को भेज सकते हैं। इसके लिए तो सबसे पहले आप सभी को प्ले स्टोर पे आ जाना है। प्ले स्टोर को ओपन कीजिए एंड ऊपर में आपको सर्च करना है एपीके शेयर। एपीके लिख करके आपको सर्च करना है, एपीके शेयर लिख करके आपको सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे ऊपर में आपको सबसे ऊपर में फर्स्ट में एक एप्लीकेशन दिखेगा। देख सकते हैं दोस्तों, ये वाली एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने फोन में। देखिए हमारा फोन में ये वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है। सिंपल सा हमें इस पे क्लिक करके और इसे ओपन कर लेना है। देखिए यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो चुका है। अब हमें यहाँ पर किसी भी एप्लीकेशन को भेजना है, वो सभी एप्लीकेशन यहाँ पर दिख जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी हमारे फ़ोन में ऐप इंस्टॉल है वो सारे के सारे ऐप यहाँ पर दिख जाएंगे। अब जो भी एप्लीकेशन को आपको भेजना है वो या तो यहाँ से आप सर्च कर लीजिए या फिर आप खोज करके उसको सेलेक्ट कर लीजिए। फ्लिपकार्ट को भेजना है, मान लीजिए कि मुझे फ्लिपकार्ट को भेजना है, तो हमें इस पर एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखता है सेंड, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। सिंपल सा हमें यहाँ पर स्क्रॉल करके और खोज लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ब्लूटूथ को खोज लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ब्लूटूथ आ चुका है। तो सिंपल सा हमें इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर टर्न ऑन का ऑप्शन आएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए हमारा जो ब्लूटूथ है वो खुल करके आ चुका है। अब यहाँ पर बहुत सारे जो है डिवाइस का नाम आएंगे, जो भी हमारे आसपास में डिवाइस का ब्लूटूथ ऑन होगा उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, तो जिस फ़ोन में हम एप्लीकेशन को भेजना चाहते हैं उसमें भी आपको ब्लूटूथ ऑन कर लेना है। तो चलिए हम अपने दूसरे फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने ब्लूटूथ ऑन किया है दूसरे फ़ोन का जिसमें हम भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमें नाम आ चुका है उस फ़ोन का, तो हमें इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही हमें यहाँ पर क्लिक किए हैं तो हमें दूसरे फ़ोन में एक्सेप्ट करना है, तो हमें एक्सेप्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम लोग एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में आप देख सकते हैं ब्लूटूथ की मदद से हमारा जो एप्लीकेशन है वो शेयर होना शुरू हो चुका है, यहाँ पर जाना शुरू हो चुका है। तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर वेट कर लेना है। देख सकते हैं कि 99% हो चुका है और यहाँ पर 100% कंप्लीट हो चुका है। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर एक पॉपअप भी आ चुका है, वन सक्सेसफुल, यानी कि हमारा जो ब्लूटूथ से जो एप्लीकेशन हमने भेजा है वो सक्सेसफुल जा चुका है। तो इस तरह से आप अपने ब्लूटूथ की मदद से किसी भी ऐप को भेज सकते हैं।